हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ बैलेंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अध्याय दो पुष्पी पादपों में लैंगिक चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पुष्पी पादप कहते किसे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले देखते हैं पुष्पी पादपों के बारे में। जिन्हें एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत बीजी पादप। देखो बेटा, नाम से स्पष्ट है पुष्पी पादप अर्थात ऐसे पादप जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। उन पादपों को क्या कहते हैं बेटा? पुष्पी पादप कहते हैं। अब देखो, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म, हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस का अर्थ होता है कवर्ड और स्पर्मा का अर्थ होता है सील। कवर्ड का अर्थ होता है ढका हुआ और सील का अर्थ होता है बीज। अर्थात ऐसे पादप जिनमें बीज क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। अर्थात जो बीज है वो किसके द्वारा कवर्ड हो गया बेटा? फल वृत्ति के द्वारा। किसके द्वारा ढका होगा? फल वृत्ति के द्वारा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसे पादप जिनमें बीज फल वृत्ति के द्वारा ढके हुए होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म पादप या आवृत बीजी पादप कहते हैं। इन आवृत बीजी पादपों को पुष्पी पादप कहते हैं क्योंकि इन पादपों में क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं। देखो बेटा, पुष्प की यदि हम बात करें तो पुष्प पादप पर पाया जाने वाला ऐसा ऑर्गन होता है जो कि पादप को आकर्षक बनाता है। इन पुष्पों का महत्व हम आदिकाल से देखते आए हैं। इन पुष्पों की जो खेती की जाती है वो कहलाती है फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। पुष्पों की खेती, तो पुष्पों की खेती को क्या कहेंगे बेटा? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। जिसे पुष्प कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पुष्प है ये एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पादपों का लैंगिक जननांग होता है। अर्थात इन फ्लोवर्स के अंतर्गत जो आवृत बीजी पादप है, इन आवृत बीजी पादपों के नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। इसलिए पुष्प को आवृत बीजी पादपों का लैंगिक जननांग भी कहा जाता है। आवृत बीजी पादपों में पुष्प एक रूपांतरित होता है। पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित प्रारोह है। प्रारोह होता है तना, क्योंकि जिस प्रकार तने के अंतर्गत पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार जो पुष्प है इस पुष्प के पुष्पासन में क्या मिलती है बेटा? पर्व और पर्व संधियां मिलती है। और समस्त जो पुष्पीय अवयव है जैसे भाई दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये सभी सभी पत्तियों के रूपांतरण होते हैं।
जिसके रूपांतरण होते हैं पत्तियों में। तने पर जो पर्व संधियां पाई जाती है, इन पर्व संधियों पर पत्तियां लगी हुई होती है, इसीलिए जो पुष्प है इस पुष्प को एक रूपांतरित प्रारूप माना जाता है। चूंकि पुष्प पर बीजाणु कारण जो कि कैसी होती है जननचन या उर्वर होती है तथा बंध्य पुष्पीय पत्र दोनों प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। इस पुष्प पर बीजाणु कारण यानी कि जननक्षम और अध्या उर्वर तथा बंध्य पुष्पीय पत्र दोनों उपस्थित होते हैं, इसी कारण पुष्प को बीजाणु कारणधारी प्रारोपी कहा जाता है। इसीलिए पुष्प को क्या कहा जाता है, क्या बीजाणु पर्णधारी प्रारोप स्पोर नहीं स्पोर बियरिंग शूट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर जननचन पुष्पीय पत्र बीजाणु पर्ण के रूप में तथा बंध्य पुष्पीय पत्र बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज के रूप में उपस्थित होते हैं, इसीलिए इस पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्रारोपी कहा जाता है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं
देखिए बेटा ये संरचना है किसकी, फ्लोवर की। तो जो पुष्प है यह है पुष्प की स्थिति पादप पर या तो शीर्षस्थ हो सकती है या कक्षस्थ हो सकती है। ये पुष्प एक छोटे से वृंग नुमा या डंठल नुमा संरचना के द्वारा मुख्य तने से जुड़े हुए रहते हैं जिसे पुष्प ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प ग्रंथ। इस पुष्प ग्रंथ का ऊपरी भाग फूला हुआ होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। इस पुष्पासन पर समस्त पुष्पीय अवयव चक्रीय क्रम में लगे हुए होते हैं। तो अभी हमने कहा था कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है जिसका रूपांतरण किसके लिए होता है बेटा, लैंगिक जनन के लिए। पुष्प के निर्माण के समय जो पर्व तने, जो तना है उस तने पर जो पर्व है उस पर्व में लंबाई में अत्यंत कमी हो जाती है। पर्व छोटे होने के कारण जो समस्त पर्व संधियां हैं वो पास पास आकर एक समृद्ध संरचना का निर्माण कर लेती है। उस समृद्ध संरचना को क्या बोलते हैं, फ्लोवर कहते हैं। अर्थात जो पुष्पासन है इस पुष्पासन पर जो पर्व है वो अत्यंत छोटे होने के कारण समस्त जो पर्व संधि है वो पास पास आने से एक समृद्ध संरचना बनती है। उस संरचना को बोलते हैं पुष्पासन कह देते हैं उसको। इस पुष्पासन पर जो समस्त पुष्पीय अवयव जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग ये सभी व्यवस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्प है उसकी संरचना को चार भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक बाह्य दलपुंज, दलपुंज, थर्ड उमंग और फोर्थ है जायांग। अर्थात इस पुष्पासन पर चार प्रकार के पुष्पीय अवयव लगे हुए होते हैं। बात करें सबसे पहले हम बाह्य दलपुंज की जिसे कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। क्या होता है बेटा? पुष्प का सबसे बाहरी वह सहायक चक्र होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी होता है, आउटर होता है और कैसे होता है, सहायक चक्र होता है। बाह्य दलपुंज सामान्यतया हरे रंग के होते हैं तथा ये बंधे होते हैं। कैसे होते हैं? बंधे। ये बाह्य दल जो आंतरिक चक्र है उनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। बाह्य दल पुंज, पुंज का मतलब होता है बेटा समूह, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य को बोलते हैं बाह्य दल, यानी कि इसकी जो इकाई है वो कहलाती है बाह्य दल और इसको सम्मिलित रूप से कह देते हैं बाह्य दल पुंज। दूसरा चक्र है दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। इसके प्रत्येक सदस्य को यानी कि इसकी इकाई को कहा जाता है दल। ये दल सामान्यतया कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं तथा सुगंधित होते हैं क्योंकि इनमें वाष्पशील तेल पाए जाते हैं जो कि इन्हें सुगंध प्रदान करते हैं, अर्थात सुगंधित बनाते हैं। ये सामान्यतः कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन होने के कारण ये कीटों को आकर्षित कर परागण में सहायता करते हैं। ये जो दल है ये दल भी पुष्प का बाह्य दल पुंज के भीतर की ओर उपस्थित दूसरा सहायक चक्र होता है। ये भी कैसे होता है बेटा? सहायक चक्र। थर्ड यदि देखें पुष्प अवयव तो थर्ड है पुमंग जिसे एंट्रोसियम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहा जाता है। इस पुमंग के प्रत्येक सदस्य को अर्थात इसकी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पुंकेसर या स्टेमन। प्रत्येक जो पुंकेसर है वो तीन भागों में बटा होता है। यहां पर हम बात करें पुंकेसर की तो इस पुंकेसर को
पुष्प का नर जननांग माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? नर जननांग। इसे लघु बीजाणु पर्ण, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण के समकक्ष संरचना मानी जाती है। इस पुंकेसर को तीन भागों में बांटा गया है। पहले की ये जो तुम्हें संरचना दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या है? एक पुंकेसर है। इस प्रत्येक पुंकेसर को तीन भागों में बांटा जाता है, परागकोश, योजी और पुतंतु। बात करें हम पुतंतु की, तो यह लंबी पतली व धारीनुमा संरचना होती है जो कि इस परागकोश को इस पुष्पाशन से जोड़ने का कार्य करती है। तो जो पुतंतु है, एक लंबी पतली बंद धारीनुमा संरचना होती है जो कि इस परागकोश को किससे जोड़ती है बेटा? पुष्पाशन से जोड़ने का कार्य। सेकंड बात करें योजी की, तो जो योजी है यह भी एक बंध संयोजी संरचना होती है। क्या होती है? बंध संयोजी संरचना होती है जो कि इस परागकोश की दोनों पालियों को, इन दोनों पालियों को आपस में कनेक्ट करने का अर्थात जोड़ने का कार्य करती है। यह भी बंध होती है यानी कि फर्टाइल नहीं होती। बात करें हमें परागकोश की, तो जो परागकोश है वो पुंकेसर का जननक्षम भाग होता है जो कि इस पुतंतु के शीर्ष भाग पर उपस्थित मुक्ताकार संरचना के रूप में उपस्थित होता है। प्रत्येक जो परागकोश है, एक प्रारूपिक परागकोश की बात कर रहे हैं हम, तो एक प्रारूपिक परागकोश के अंतर्गत दो पालियां पाई जाती हैं। ऐसे परागकोश द्विपालित परागकोश कहलाते हैं तथा प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। इस प्रकार एक प्रारूपिक परागकोश के चारों कोनों पर चार लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। इन लघु बीजाणु धानियों में, इन जो लघु बीजाणु धानी है, इन लघु बीजाणु धानियों में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। तो परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? लघु बीजाणु धानी में। ये परागकण आगे अंकुरण करते हैं और अंकुरण के द्वारा नर युग्मक उद्भिद का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? ये नर युग्मक उद्भिद। अर्थात मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पुष्प का चौथा चक्र यदि देखें, तो चौथा चक्र है इसका जयांग। क्या है? जयांग। यह जयांग पुष्प का केंद्रीय तथा चौथा व अनिवार्य चक्र होता है। कैसा होता है? अनिवार्य चक्र। तो पुष्प में दो तो अनिवार्य चक्र होते हैं, एक तो जयांग और दूसरा कुमंग, तथा दो सहायक चक्र होते हैं जिसमें से एक दलपुंज और दूसरा बाह्य दलपुंज। तो दो दो सहायक चक्र हो गए और दो ही कैसे हो गए? अनिवार्य चक्र। इस जयांग के प्रत्येक सदस्य को कहते हैं स्त्री केसर। वेनुसियम है जयांग। इस जयांग के प्रत्येक सदस्य यानी कि इसकी इकाई कहलाती है स्त्री केसर। इस स्त्री केसर की संरचना को तीन भागों में बांटा गया है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र की यदि हम बात करें, तो जो स्त्री केसर है उसका ऊपरी चौड़ा चपटा व तस्त्री नुमा भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, जो कि परागण क्रिया के समय पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। अर्थात परागण क्रिया के पश्चात जो परागकण है वो इसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पहुंचने के पश्चात वर्तिकाग्र की कोशिकाओं से जल, रेजिन, लिक्विड, लिपिड है, बोरोन है इत्यादि ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के पश्चात अंकुरण करते हैं। तो परागण के पश्चात परागकणों का जो अंकुरण है वो इसी वर्तिकाग्र पर संपन्न होता है। सेकेंड है वर्तिका। तो यह लंबी पतली नलिकाकार संरचना होती है जो कि इस वर्तिकाग्र को किससे जोड़ने का कार्य करती है? अंडाशय से जोड़ने का कार्य करती है। जब परागकणों का अंकुरण हो जाता है तो पराग नली इसी वर्तिका से होती हुई इस अंडाशय तक पहुंचती है। नेक्स्ट इसका तीसरा भाग है अंडाशय। तो यह स्त्री केसर का
आधा ही फूला हुआ भाग होता है जो कि इस पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। इस अंडाशय के भीतर बीजांड संकर व्यवस्थित अनेकों क्या लगे रहते हैं, बीजांड लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? बीजांड, जिन्हें गुरु बीजाणु धमनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गुरु बीजाणु धमनी। अर्थात अंडाशय में उपस्थित जो बीजांड है, ये बीजांड ही क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु धमनी या मेगास्पोरेंजिया कहलाती है। इस बीजांड में गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके पश्चात जो गुरु बीजाणु है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित भ्रूणकोश बनता है। अर्थात इस गुरु बीजाणु धमनी में क्या बनता है? भ्रूणकोश, जो कि कैसा होता है बेटा? अगुणित होता है। इस भ्रूणकोश में अंडकोशिका उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? अंडकोशिका। यह अंडकोशिका नर युग्मक के साथ निषेचित होकर क्या होता है? इनमें नर युग्मक और अंडकोशिका में निषेचन होगा, और निषेचन के द्वारा किसका निर्माण करती है? द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करती है। इस द्विगुणित युग्मनस से आगे फिर भ्रूण का विकास होता है। तो यह संरचना किसकी थी बेटा? फ्लोवर की। किसकी थी? फ्लोवर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।